बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कलेजी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है कलेजी 1/2 kg, एक प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, दालचीनी का एक टुकड़ा, इलायची। ये खुशबू के लिए डालनी है क्योंकि कलेजी की एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए। ज़ीरा 1/2 tablespoon, धनिया सूखा धनिया पिसा हुआ, मिर्च, नमक और योगर्ट चाहिए होगी हमें। जब हम भूनेंगे तब योगर्ट डालेंगे। लेमन, और ये हरी प्याज है, इसको हम एंड पे डालेंगे। और ऑयल हस पे ज़रूरत, जितना रिक्वायर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। हम कलेजी, ऑनियन, ये सब चीज़ें और मिर्च डाल के रख लेंगे ऊपर चूल्हे पे। फिर जब ये गल जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मिर्च भी हमने डाल दी है, ये बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। अब ये इसको 1/2 glass पानी डाल के ऊपर मैं चढ़ा दूँगी। जब इस 10 से 15 मिनट में ये जब गल जाएगी तो फिर इसको भूनेंगे। कलेजी गल गई है, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको रखा प्रेशर में। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल डालेंगे और इसको हम भूनेंगे। अब इसको मैंने पहले ऑयल में थोड़ा भूना है। अब मैंने इसको इसमें योगर्ट डाल दी और योगर्ट डाल के इसको मैं भूनती हूँ। जब भून रही थी तब मैंने दालचीनी और इलायची डाल दी थी। इसको 10 से 15 मिनट भूनते हैं फिर हम। अब इस स्टेज पे आके हम ये मसाले ऐड कर देंगे। नमक भी, नमक इसलिए एंड पे डालना है, अगर स्टार्ट में हम डालते तो वो कलेजी हार्ड हो जानी थी, इसलिए हमने नमक अब डाला। अब इसको हम भूनेंगे। अब हम इसमें इस स्टेज पे प्याज शामिल कर देंगे और भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे फिर मैं आपको कलेजी का फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारी कलेजी रेडी हो जाएगी। कलेजी तैयार हो गई है, ये देखिए इसका फाइनल लुक। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी बहुत सिंपल होती है, इजली हर कोई बना सकता है। इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।